पाकिस्तान में सदारती निजाम इमरान खान का प्लान क्या था? इमरान खान को कहा था कि जनरल फैज आपको फैसलवाड़ा ने अरशद शरीफ के हवाले से भी बड़ा दावा कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वाडा का कहना था कि इमरान खान का प्लान ये था कि जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाएंगे और जनरल फैज ने आकर इस मुल्क में सदारती निजाम कायम करना था और इमरान खान को तख्त पर 20 साल के लिए बिठा देना था। फैसल वावडा ने कहा, मेरा इख्तलाफ इसी बात पर इमरान खान से हुआ था। मैंने उन्हें कहा था कि आप इस डगर पर ना चलें। अरशद शरीफ के ऊपर मेरी रिजर्वेशन थी। मुझे नहीं पता था कि अरशद शरीफ का कत्ल होना है, लेकिन मुझे ये तो नजर आ रहा था कि एक कॉन्स्पिरेसी इसके साथ हुई है। खास आम कीड़ों, गटर के कीड़ों, सांप से मीटिंग में इनकी बातों का अंदाजा हो जाता था। मुझे अरशद शरीफ के नाम का नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि कोई ना कोई अनहोनी और कोई तमाशा ऐसा इस मुल्क में लगने वाला है। फैसल वावडा ने कहा कि मैंने इमरान खान को बताया था कि आप भी इन चीजों से नहीं बचेंगे। मेरा इमरान खान से प्रिंसिपल पर इख्तलाफ हुआ और जब मैं इनके पास से उठा तो उन्हें बताया कि आप भी नहीं बचेंगे, आपके ऊपर भी आखिरी वार होगा क्योंकि सामने वाला एक अजदहा है, वो अपने लोगों को भी निगल जाएगा। मैं तो जनरल फैज से उस वक्त इख्तलाफ किया जब वो कुर्सी पर बैठा हुआ था।